अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुदा करे ऐसे ही हो। चलिए आज का नया दिन और नया व्लॉग शुरू करते हैं। ट्रैवल सीरीज़ डे 6, आज हमने विज़िट किया अयूब सुल्तान मॉस्क और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार का। तो बस हमने होटल से अपनी यहाँ पर टैक्सी मंगवा ली थी, तो हम लोग जा रहे हैं, उस एरिया का नाम है अयूब सुल्तान एरिया। तो यहाँ से 35 से 40 मिनट्स लग गए थे, रश भी होता है तो इतना तो टाइम लग ही गया। जब भी इस साइड से गुजरते हैं और ये पानी और ये समंदर जब नज़र आता है, बहुत खूबसूरत लगता है, सारा ही टर्की खूबसूरत लगता है। अभी देखा सिर्फ हमने इस्तांबुल ही है, बाकी इंशाल्लाह देखेंगे और भी इसके खूबसूरत खूबसूरत जगह। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं अयूब सुल्तान एरिए में। यहाँ पर हम टैक्सी से जब उतर के थोड़ी सी वॉक करके अंदर की तरफ आए हैं और यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं, बेकरीज भी हैं और यहाँ तस्बीह और स्कार्फ वगैरह की वो शॉप्स बनी हुई हैं। और ये सारा एरिया, ये जिसमें मॉस्क भी है, मज़ार भी है और कब्रिस्तान भी थोड़ा सा हट के वो भी है। तो बस अब इस टाइम अजानें हो रही थी, जोहर का टाइम था, तो लोग आ रहे थे नमाज़ों के लिए। और मेरे साथ ये हुआ कि मैं उस मस्जिद के अंदर से वीडियो बना नहीं सकी क्योंकि नमाज़ शुरू हो गई थी, तो बस मौका ही नहीं मिला। और उसके बाद इतनी गर्मी और रश था कि हिम्मत ही नहीं हुई कि दोबारा अंदर जाऊं और मैं बनाऊं। तो यहाँ पर देखिए सारे लोग ये वज़ू करा कर रहे हैं। और है ये छोटी मस्जिद, इतनी बड़ी नहीं है लेकिन प्यारी थी अंदर से, सिर्फ देखा थोड़ा सा, वीडियो नहीं बस बना सकी। बहुत खूबसूरत सी ये मस्जिद है। और ये देखें इसके थोड़ा बहुत, जो मैं बाहर बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी मैं बना लूँ यहाँ पर वीडियो। तो हमें तो नमाज़ भी बाहर ही कर पढ़नी पड़ी क्योंकि जो औरतों की जगह थी वो बहुत ही छोटी सी थी, वो भर गई थी बहुत जल्दी। बस यहाँ से फारिग होने के बाद तो ये हम मज़ार की तरफ अब जाएंगे और वहाँ पर फिर बहुत, वहाँ भी रश नहीं था, रश तो था लेकिन ऐसे कि जल्दी जल्दी अंदर जा रहे थे, इतना लंबा टाइम हमें वेट नहीं करना पड़ा। तो लोग बहुत ज़्यादा है, रश खूब है, कोई भी मास्क नहीं पहनता, कुछ भी नहीं, कोई एहतियात नहीं है। हमने बड़ी एहतियात की हुई थी कि पहने और इतने टोक छींके और खांसियाँ सब कुछ कर रहे थे, तो लेकिन बचे हम भी नहीं, लग ही गया क्योंकि कहीं ना कहीं तो उतारना पड़ ही जाता है कोई जब आए हैं। तो जब हम ये मज़ार के अंदर दाखिल हुए हैं तो लेफ़्ट साइड पे ये कुछ तबरकात पड़े हुए हैं और ये खूबसूरत सा मज़ार का अंदर का हिस्सा है। बहुत ही सुकून से वाली जगह, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। देखें हम कितने खुशकिस्मती थी कि अल्लाह ताला ने मौका दिया, आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैं किसी सहाबी की इस तरह मज़ार पे इनकी ज़ियारत के लिए आई हूँ। वैसे तो कभी मौका इस तरह मिला नहीं। और ये भी कितने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कितने खुशकिस्मत और कितने अल्लाह ताला ने इनको ये शर्फ इनको मिला कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ इनको मिला और आज हम लोगों को अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि हम इनके मज़ार पे आएँ। और बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था यहाँ बहुत ही। मैं वही सोच रही थी कि ये एक सहाबी के मज़ार पे आने पे इतना अच्छा और इतना सुकून मिला, तो और जो मुकद्दस जगह हैं हमारी कई और जगहों पे और स्पेशली मक्का मदीना और उनमें जाके उनकी फ़िज़ाओं में उनकी उस जगहों पर कितना सुकून होगा। अल्लाह ताला तौफीक दे, हिम्मत दे, अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाले जाने का, खुदा ताला ज़रूर इंशाल्लाह करेगा। और भी देखने वालों को भी खुदा ताला तौफीक दे इस तरह के मुकद्दस जगहों को देखने की। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। ये देखें यहाँ से उनका अंतर का यह नज़र आ रहा है। बस थोड़ी देर हम यहाँ पर रुके और यहाँ थोड़ी सी मैंने वीडियो भी बना ली। उस टाइम पर वीडियो भी दिल नहीं कर रहा था, बस दिल चाह रहा था कि कुछ थोड़ी देर बस आप रुकें और देखें, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी से एक थोड़ा सा बना ही लिया, इतना ही मुझे बस टाइम मिला। बस बाहर फिर निकल के आ गए और उसके बाद थोड़ा सा जो बाहर का एरिया है वो मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं बना लूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और सबसे जो मज़े की जगह लग रही थी वो ये कबूतर, इतने ढेर कबूतरों का, ये देखें कितने प्यारे ये लग रहे हैं, सारे इस तरह आके बैठे हुए हैं। और वहाँ पर वो खाना भी उनको वहाँ दाने डाल के रखे हुए थे, आप लेते हो और फिर इनको डालते हैं, तो वो भी लेके हमने डाले। तो इतने पता नहीं कितना कबूतर ये कहाँ से आता है, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बस ये हम काफ़ी देर पर खड़े इनको देखते रहे, इतना अच्छा लग रहा था। तो मेरी अम्मी ने भी देखे हाथ पे रख के दाने डाल रही हैं कि उनको जो शौक था कि उनके हाथ पे आके कबूतर खाते जाए, लेकिन उन कबूतरों को क्या ज़रूरत पड़ी थी जब उनके नीचे इतना सारा मिल रहा था खाना, तो वो हाथ पे आता और खाता, उनका ये शौक पूरा नहीं हुआ।
हमने तो इसका नाम के सिर्फ नीचे ही डाल दिए, तो वो वहीं आके खाते जा रहे थे। अम्मी के नहीं हुए, वो देखिए हाथ से रख के खड़ी हुई, लेकिन नहीं कोई कबूतर नहीं आया। आराम से उनको वैसे ही खाना मिल रहा था, उन्होंने क्यों आना था। तो बहल बस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम गुजारा। गर्मी बहुत शदीद है, बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी है कि मास्क तो पहना ही नहीं जाता, ऐसा लगता है दम घुटने लगता है बहुत ज़्यादा। लेकिन कभी बस उतार लेते हैं, पहन लेते हैं, अजीब ही समझ नहीं आ रहा। अमेरिका तक, इंग्लैंड तक जब हम आए हैं तो इंतहाई एहतियात करते रहे हैं कि ना उतरे, और सही भी रहा, आराम से रहा। जैसे अब हम टर्की आए हैं यहाँ पर, तो कोई बंदा पहनता ही नहीं है मास्क कोई भी, और मतलब हर जगह उन्होंने ख़त्म ही कर दिया जो होता था। अब तो जहाज़ों में भी कोई भी नहीं पहन रहा, वो भी कोई रिक्वायर नहीं है। बस फिर थोड़ी देर थोड़ा प्यास वगैरह लग गई, तो हमने कहा चले थोड़ा सा बैठ के लेमनेड वगैरह पी लेते हैं, और इस लेमनेड ने इतना हमारा गले ख़राब कर दिए, क्योंकि वही बात है गर्मी और ठंडा, जब हमने पिया तो बीमार हुए, तो उसके बाद हमें फ्लू भी काफ़ी हो गए, सबको ही लगा थोड़ा थोड़ा सा। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। तो हम आ गए हम घर वापस। तो बस इंशाल्लाह अब नए दिन और नए ब्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय।